हे हेलो फ्रेंड्स, आज क्रिसमस है, सो मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। होपफुली कि आपके सेंटा क्लॉज आएंगे और आपको बहुत सारे गिफ्ट दे चुके होंगे, स्पेशली फॉर किड्स। सो दिस इज़ आवर क्रिसमस ट्री, और हमने कुछ बेसिकली इस साल किया नहीं ज़्यादा क्रिसमस के लिए, बट ये हमारा क्रिसमस ट्री है जिसको हमारी सोनिया जी ने बनाया है। और ऑल ऑफ अ सडन आज बैंगलोर का वेदर थोड़ा गड़बड़ा गया है फिर से। ये देखिए, दिसंबर में आप ऐसे, अब बारिश ड्रिजलिंग भी हो रही है यार, जोर से बारिश ना हो जाए तो। कल तक बहुत ही अच्छा ब्लू स्काईज दिख रहा था और हम वी आर हैप्पी कि फिर से बैंगलोर में ब्लू स्काईज दिख के हैं। आप देखो, मतलब बैंगलोर में हरदम दीपावली में भी बारिश हो जाती है तो मज़ा नहीं आता, राइट? पूरा किचकिच हो जाता है। तो नॉर्मली डज ड्रिजल और रेन ड्यूरिंग दिवाली, सितंबर अक्टूबर, बट लास्ट ईयर नवंबर में भी हो गया था, इस बार दिसंबर में भी हुआ था। अभी 2 वीक पहले ही हमारा मतलब साइक्लोन आया था चेन्नई, और उधर लो प्रेशर भी हो बंगाल में इट अफेक्ट बैंगलोर एज वेल। सो व्हेन द स्काईज वर ब्लू वी वर वेरी हैप्पी, बट अगेन ऑल ऑफ अ सडन टिल 24th इट वॉज गुड सनी ब्लू डे, बट नाउ इट्स लाइक ऑल ग्लूमी अगेन। आई डोंट नो हाउ मेनी डेज इट विल कंटिन्यू, सो नॉट अ गुड न्यूज़। लाइक थोड़ा एनर्जी लेवल में भी लाइक थोड़ा डल ग्लूमी होता है, एक दो दिन अच्छा है बट अदरवाइज लॉन्गर नहीं होता है। तो मॉर्निंग में हमने आज ये देखिए, हमने स्केटिंग किया थोड़ा, मतलब स्केटिंग सर आए थे, स्वामी सर इज़ अ वेरी गुड टीचर, आई रिकमेंड इट। लाइक सो इन एंड अराउंड इलेक्ट्रॉनिक सिटी इफ यू नीड हिज नंबर आई कैन गिव यू। तो या सो इट्स मॉर्निंग। जो आज का हमारा ब्लॉग है, इट इज़ बेसिकली अपॉन ऐश गार्ड, क्या होता है। तो दिस इज बेसिकली द ऐश गार्ड, राइट? द ऐश गार्ड हमने लाया, इसको सफ़ेद पेठा भी बोलते हैं, और दिस इज वेरी 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 ड्रिंक when you want to increase your health, and this is one of the most pranic, it is the most pranic juice, highest pranic energy juice actually. It is the most energizing juice, or very good for kids especially. Morning में empty stomach लीजिए, आपको देखिए बहुत सारा मैंने like articles पढ़ा। तो normally मैं follow करता हूँ सात्विक मूवमेंट, बहुत ही अच्छा चैनल है सात्विक मूवमेंट, और लाइक यू कैन फॉलो अदर चैनल्स एज वेल। सो डिटॉक्स जूस है कैंसरस सेल और बीपी, डायबिटीज, सब पीसीओडी के लिए भी अच्छा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, और एम्प्टी स्टमक पीजिए, और इफ टेस्ट अच्छा ना लगे, बेसिकली टेस्टलेस होता है, नहीं हो तो आप थोड़ा यू कैन ऐड हनी और पेपर, बट नॉट रिकमेंडेड। और यू कैन ऑल्सो ऐड लिटिल बिट ऑफ सम काइंड ऑफ जैगरी इफ़ यू रियली वॉन्ट, अवॉइड रिफाइंड वाइट शुगर। सो यू कैन मेक इट, सफ़ेद पिठा अवेलेबल होता है, वो अवेलेबल ना हो तो आप अपना कद्दू का जूस, कोई एनी गॉड जी ओ यू आर एनी गॉड जूस पी सकते हैं। बेसिकली टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और इंटलेक्ट बढ़वाता है। तो आप देखिए, दिस सुपर फूड कैन इन्हेंस योर इंटलेक्ट। तो थैंक यू सदगुरु, एंड थैंक यू सात्विक मोमेंट फॉर शेयरिंग दिस। जितने भी डूज एंड डोंट्स है मैंने लिख लिया है, कैन बी मिक्स विद पेपर लेमन हनी, बट ट्राई टू अवॉइड इट। यू कैन ऐड कोकोनट वाटर टू इट, सो इट विल बिकम अ ऐश कोको जूस, बिकॉज यू आर एडिंग ऐश गार्ड विद द कोकोनट जूस, सो इट कैन बी कॉल्ड एज ऐश कोकोनट, दैट इज़ वेरी हेल्दी। इंस्टेड ऑफ एडिंग पेपर और हनी, और यू कैन ऐड कोकोनट वाटर, बट यू कैन टेक इट एज नॉर्मल एज वेल। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टेक ऑन एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट लें, और ज़्यादा डू नॉट ईट फॉर लाइक 30 to 1 hour, 1 hour ज़्यादा हो जाएगा तो 130 मिनट भी चलता है, ठीक है। और बेसिकली ये आपके पेट में सफाई का काम करता है, तो आपको जितने भी टॉक्सिन्स ये सब हैं हटा देता है। तो अगर आप खाने, इसको पीने के बाद तुरंत कुछ खाने लगेंगे तो आपका फिर मेटाबोलिज्म स्टार्ट हो जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट रेज हो सकता है, तो न करिए। एज आई टोल्ड यू, इट्स अ हाइएस्ट प्राणिक फूड, पॉजिटिव। हमारे 3 तरह के प्राणिक फूड होते हैं, राइट? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो मतलब आपको कुछ भी एनर्जी भी नहीं दे रहा है, पॉजिटिव मतलब आपको एनर्जी भी दे रहा है और अच्छा भी है, और नेगेटिव मतलब इट्स लाइक अ जंक ओनली, राइट? नेगेटिव प्राणिक फूड है।
तो वेरी गुड जूस। एंड नॉर्मली हम जैसे कि मॉर्निंग में टी जूस, टी या कॉफ़ी पीते हैं विथ शुगर, तो वी गेट एनर्जी, बट अगेन इट क्रिएट सम काइंड ऑफ एजिटेशन इन आवर बॉडी। एंड सो लाइक बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या कोल्ड और कफ अस्थमा पेशेंट्स के लिए इट्स स्ट्रिक्टली अ नो नो। तो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। या इट हैज़ ए कूलिंग इफेक्ट, बट यू कैन ऐड सम काइंड ऑफ पेपर और हनी टू नलीफाई द कूलिंग इफेक्ट। करेक्ट। सो बट या लाइक ट्राई टू अवॉइड टेकिंग इन नाइट और ड्यूरिंग विंटर्स। मे बी इफ यू आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम कोल्ड इट माइट, बट इवेंचुअली यूल गेट यूज टू इट। मे बी डू नॉट टेक इन अ वेरी ह्यूज क्वान्टिटी। कितना लेना है आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है, कुछ बुराई नहीं है इसमें। तो एज वी टोल्ड, इट्स लाइक अ स्क्रबर और इट रिमूव द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। ठीक है। और इससे स्किन ग्लो, वेट नॉर्मल भी होता है, थायराइड, PCOD, कैंसर सेल के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ना मिले तो मैंने बोला ना कि पम्पकिन ले लो या कुछ भी, एनी एनी अदर जूस यू कैन मेक फ्रॉम अ गॉड फैमिली। सो लौकी का जूस इफ नॉट अवेलेबल। सो दैट्स इट अबाउट टुडे। टुडे इज़ अ क्रिसमस। मैं विश यू एवरी वन अ हैप्पी मेरी क्रिसमस और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच ब्लॉग्स। थैंक यू।